नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखेंगे वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आपके सामने एक डेटा है, मुझे इस डेटा के ऊपर चार्ट्स बनाने हैं। और यहां अगर मैं इंसर्ट करता हूं और इंसर्ट करके यहाँ पे अगर हम चार्ट लेते हैं, तो देख सकते हैं कि चार्ट इतना ज्यादा आ गया क्योंकि समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पूजा और मोहन के बीच में कंपेयर नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल पूजा और पूजा कंपेयर करना है। मतलब मुझे एक एक करके चार्ट बनाने हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि एक एक करके चार्ट बनाएंगे तो बहुत सारे चार्ट बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्ट है वो वन बाय वन तैयार। बहुत ही मजेदार टॉपिक हम कराने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, तो प्लीज वीडियो की लास्ट तक बने रहें। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया हेडिंग, और यहाँ हम मैनुअली वन लिखते हैं, और यहाँ हम एक ऑप्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, और हम रो नंबर वन सेलेक्ट कर लिया, कॉलम जीरो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और इसको आगे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये वन किया, फिर बाकी जेन क्यों आया? क्योंकि ड्रैग करते समय हमने एक गलती की, हमने यहाँ पे फ्रीज नहीं किया। तो F4 दबा दीजिए, डॉलर साइन लगा दीजिए, और फिर इसको आप ड्रैग कीजिए, डेटा आ गया। अब मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पूजा तो आ गया, बट मुझे दूसरी के लिए जाने के लिए यहाँ पे नंबर टू करना पड़ेगा, नंबर थ्री करना पड़ेगा, नंबर फोर करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे नंबरिंग नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि इसके लिए ड्रॉप डाउन वगैरह या लिस्ट बॉक्स वगैरह भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं बना रहे हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम जहाँ क्लिक करें उसी का डेटा यहाँ पे शो हो जाए, जहां भी क्लिक करें उसका डेटा शो हो जाए, सिंपल सा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे ट्रांसपोज करता हूं, और ट्रांसपोज करके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसको यहां पे हम फिट कर देते हैं। बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, इसको सेंट्रल में कीजिए, इसको सेंट्रल, और इसकी बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, टेक्स्ट कलर में यहाँ व्हाइट ले लेता हूँ, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आ जाता हूँ, और फॉर्मेट सेल में इसकी जो बॉर्डर है वो यहाँ से व्हाइट कर दिया, और व्हाइट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। ओ सॉरी, नहीं हुआ, मैं दोबारा कर रहा हूँ, राइट क्लिक, इसको भी करना पड़ेगा नीचे, और इसको यहाँ रख दो, और इसको राइट, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम सेम कलर यहाँ पे ये वाली कर दूँ, ताकि कलर कलर को मैच कर दे। इसकी टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ, और ये लाइनिंग जो है इसको हटा दिया, और इसको सेलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हम व्हाइट कलर ले लेते हैं, सही रहेगा, ये भी व्हाइट कलर, सब व्हाइट कर देता हूँ। अब अपने हिसाब से डिजाइन चेंज कर सकते। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो पूजा का दिखे, इस पे क्लिक करूँ तो मोहन का दिखे, इस पे क्लिक करूँ तो कविता, इंदर, उदय, इस तरह से क्लिक करने की मुझे यहाँ पे शो। बट कैसे होगा? इसके लिए हमें यूज करना होगा वीवीएम माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और उसके भी इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो जब मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ जाऊंगा मूव एंड को, नहीं, व्यू कोड, व्यू कोड, और यहां से वर्कशीट, और यहां से सिलेक्शन चेंज करेंगे। अब यहां हमने बोला MSG बॉक्स, और यहां पे हम सिंपल लिखते हैं टारगेट डॉट कॉलम नंबर। अब एक चीज करना है ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नाइन आ रहा है, बट यहाँ पे क्लिक करने पे मुझे वन आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस वन कर। तो अब मैं क्लिक करूँ माइनस एट, माफ कीजिए, माइनस एट कर, माइनस एट, हमें यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टू आया,
ये चीज मैं मैसेज बॉक्स में नहीं शो कर रहा हूँ, यहाँ जो रेंज हमारा क्या है 8-12, यहाँ पे लिखता हूँ रेंज 8-12 dot value इक्वल। तो अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देख कविता आ गया, इंदर उदय इस तरह से आ गया। इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं कि मैं जिस पे क्लिक करूं उसका कलर रेड हो जाए, जिस पे भी क्लिक करूं उसका कलर रेड हो, और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं। अब मैं अभी फिलहाल बाहर गई क्लिक कर रहा हूं तो गायब हो जा रहा है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हैं कि मैं जहां भी सिर्फ इसी पे वर्क हो तो इफ कंडीशन यहाँ लगा देंगे कि इफ टारगेट डॉट कॉलम रो रो इक्वल टू 1 देन ये चलेगा भाई ना। कहीं और क्लिक करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ इसी पे क्लिक करने पे वर्क करेगा। इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ऐसे और भी चीजें डिटेल में हम बताएंगे, एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपके किसी क्वेश्चन कुछ सवाल होती है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, मुझे बहुत खुशी होगी आपको सवाल के जवाब देने में। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, हमने बताया था कि हम एक इंफॉर्मेशन देंगे तो सामने आपको एक एक मेरा इमेज दिख रहा होगा उसमें देखिए, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके साथ हमारी कंप्लीट वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लासेस की। जी हाँ, 35 दिन 35 डेज 1 आवर डेली दी जाएगी, ये ऑनलाइन लाइव क्लास होगी डायरेक्ट मेरे साथ, और ऐसे हमारी फीस 10,000 है, लेकिन हम महीने में एक डिस्काउंटेड बैच शुरू करते हैं। जी हाँ, एवरी मंथ हम एक ही सिंपल वन डिस्काउंटेड बैच शुरू करते हैं, और इस बार हम शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग 6 AM बैच। जी हाँ, मॉर्निंग 6 बजे 1 अगस्त से मेरी बैच स्टार्ट हो रही है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर महीने एक बैच हम डिस्काउंटेड शुरू करते हैं, इस बार हम वीवीए का डिस्काउंटेड बैच शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप इसका लाभ लें और इसमें आपको 80% का डिस्काउंट होगा, मतलब कि 10,000 की फीस सिर्फ 8,000 में मिलेगी, और लाइव क्लास होगी डायरेक्ट मेरे साथ, हर क्लास लाइव होगी और उसकी वीडियो, उसकी फाइल, उसकी सैंपल नोट, सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा, और क्लासेस पूरी तरह से हिंदी में होगी जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाया। तो फटाफट मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और अपने सीट को बुक कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है, 10 से 12 लोगों की सीट होगी, तो फटाफट आप मुझे बुक करके फोन करें। थैंक यू।